हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय मास किचन वंस अगेन। आज मैं आप लोगों के साथ जीरा आलू का रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। दोस्तों, ये एक ऐसा डिश है जो बहुत सारे तरीके से बनाया जा सकता है। अपना थोड़ा सा टच देके, मसाला को कम या ज़्यादा करके, उसे अदल बदल करके बहुत सारे तरीके से आलू जीरा को बनाया जा सकता है। ये एक वर्सेटाइल डिश है। आज मैं आप लोगों के साथ एक सिंपल मेरा फेवरेट आलू जीरा का रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। सो लेट्स मूव टू माय मस्त किचन टू प्रिपेयर आलू जीरा। सिंपल आलू जीरा बनाने के लिए हम सबसे पहले कढ़ाई को एक मिनट के लिए गर्म करेंगे और उसमें आधा छोटी चम्मच जीरा, आधा छोटी चम्मच धनिया और एक सूखा लाल मिर्च ऐड करेंगे। इन तीनों चीज़ों को एक मिनट के लिए हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ड्राई रोस्ट होने के बाद हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे रूम टेम्परेचर तक आने पर ठंडा होने देंगे। उसके बाद इसे एक उखली में दरदरा पीस लेंगे। पीस लिए है, ये देखिए, इसे आप साइड पे रख देंगे। अब कढ़ाई में 1.5 से 2 बड़ी चम्मच मस्टर्ड ऑयल ऐड करेंगे। उसमें आधा छोटी चम्मच जीरा ऐड करेंगे। इसे स्प्लैटर होने देंगे। अब 20 सेकेंड्स बाद इसमें एक हरी मिर्च छोटे छोटे टुकड़े में काट करके ऐड कर देंगे। इन दोनों चीज़ों को 20 सेकेंड्स के लिए करीब और फ्राई कर लेंगे और उसके बाद इसमें आधा छोटी चम्मच बारीकी से काटी हुई अदरक ऐड कर देंगे। इन सारी चीज़ों को करीब 30 सेकेंड्स के लिए फ्राई होने देंगे। इसे अपने आप ही फ्राई होने देंगे, चम्मच से चलाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें करीब 2 चुटकी हींग पानी में घोल करके ऐड कर देंगे। एक बार चम्मच से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। आप कढ़ाई में 3 मीडियम साइज के आलू ऐड कर देंगे। आलू को पहले से ही उबाल के 1 इंच क्यूब्स में काट के रख दें। कढ़ाई में 1/3 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। नमक स्वाद अनुसार ऐड करेंगे। आप इसमें 1 बड़ी चम्मच धनिया पत्ता छोटे छोटे टुकड़े में काट के ऐड करेंगे और इसके साथ 1 बड़ी चम्मच पुदीना पत्ता भी बारीकी से काट करके ऐड कर देंगे। अब इन सारी चीज़ों को करीब 2 मिनट के लिए अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। कढ़ाई को ऐसे पकड़ के टॉस कर सकते हैं, पर अगर ये पॉसिबल ना हो तो भी कोई बात नहीं। इस तरीक़े से आप आलू को अच्छी तरह टॉस कर सकते हैं। एक हाथ से कढ़ाई को पकड़े और दूसरा हाथ से चम्मच को अच्छी तरह चलाते रहें। अब हम फ्लेम बिल्कुल कम कर देंगे और कढ़ाई में पीसी हुई मसाला ऐड कर देंगे। जो जीरा, धनिया और सूखा लाल मिर्च हम पीस के रखे थे वो ऐड कर देंगे। अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। गैस बंद कर देंगे और गैस बंद करने के बाद थोड़ा सा चाट मसाला ऊपर से छिड़क देंगे। बस हमारा सिंपल आलू जीरा बन करके तैयार हो गया है। इसका प्लेटिंग करेंगे। इसे रोटी, पराठा, पूरी, दाल, चावल किसी के भी साथ सर्व करें और बड़े मज़े से खाएं। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का रेसिपी। इसे अपना किचन में ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको अच्छे लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर विजिटिंग माई मस्त किचन।